नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रितु सेठी है। मैं एक प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट क्लाउड 9 सेक्टर 14 में प्रैक्टिस करती हूं। आज का मेरा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जो कि आजकल मैंने देखा है महिलाओं में, लड़कियों में बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है, स्पेशली लॉकडाउन के दौरान जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं और उनके पास बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो उनको फास्ट फूड या फिर जो झटपट खाना बन रहा है उससे गुजारा करना पड़ रहा है, उससे काम चलाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके उनकी टीनेज डॉटर्स सबकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। तो ये क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है पीसीओएस की प्रॉब्लम। पीसीओएस की प्रॉब्लम जो है आजकल इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है और लोगों को सही मायने रखे तो लोगों को ये भी नहीं पता कि पीसीओएस इतना ज्यादा कॉमन होता जा रहा है, जिसकी वजह से मेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है, फेस पे एक्ने में प्रॉब्लम आ रही है और वजन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वजन घटाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए लॉकडाउन के सिनेरियो में हमें क्या क्या चीजें खाने में अवॉइड करनी चाहिए ताकि पीसीओएस की कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो। सबसे पहले हमें जो है कोशिश करनी है कि हमें ऐसे पदार्थ खाने हैं जिसमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स इसका सबसे कम हो, जो धीरे धीरे करके हमारे ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब हो। ये चीजें होती हैं हाई फाइबर वाली चीजें। जितना आप हाई फाइबर लेंगे डाइट के अंदर, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे करके आपके ब्लड में अब्सॉर्ब होंगे। जितना धीरे ये ब्लड में अब्सॉर्ब होंगे उतना ही कम आपका ग्लूकोज लेवल बॉडी के अंदर स्पाइक होगा। जितना कम आपका ग्लूकोज लेवल बॉडी के अंदर स्पाइक होगा उतने ही आपके पीसीओएस के कॉम्प्लिकेशंस कम रहेंगे। तो ये सब और साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाले फूड्स जैसे कि मैदा है, बहुत ज्यादा ऑयली फ्राइड, बहुत ज्यादा हाई कार्ब वाली चीजें, कोशिश करना है कि कम से कम इन सब चीजों का सेवन करें। इसका रीजन फिर से यह है कि हमें अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा इंक्लूड करने हैं, हमें अपनी डाइट में ऐसे पदार्थ इंक्लूड करने हैं जिससे बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम हो, क्योंकि पता चला है कि पीसीओएस के अंदर बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है पीसीओएस की, आप कोशिश करें अपनी डाइट के अंदर फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स इंक्लूड करने के लिए। आप कोशिश करें कि आप मैदे वाली चीजें बिल्कुल ना खाएं। आप कोशिश करें कि आप एंटी इंफ्लेमेटरी एंटी ऑक्सीडेंट ज्यादा लें डाइट के अंदर, जैसे कि नट्स हैं, आप ऑयली फैटी फ्राइड चीजें कम से कम खाएं, बिकॉज अगेन इन चीजों से इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो सकती है। रिफाइंड प्रोडक्ट्स जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब चीजों को भी कम से कम मात्रा में इन सब चीजों का सेवन करना चाहिए। तो फास्ट फूड और चीजें जो है वो आपको कम से कम लेनी है, तभी आपकी पीसीओएस की प्रॉब्लम कंट्रोल में रहेगी। क्योंकि जैसे हम सबको पता है पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई क्योर नहीं, ये सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल से ही कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो इस लॉकडाउन के दौरान जब लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज नहीं हो पा रहे हैं तो हम लोगों को डाइट पे ही डिपेंड करना पड़ेगा पीसीओएस के सिम्टम्स कंट्रोल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।